सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी का सोनी किचन्स में स्वागत है। और आज हम लोग सोच ही रहे थे कि क्या बनाया जाए, और तभी घर वालों की फरमाइश में ये आया कि मैंगो शेक बनाइए। अब मैंगो शेक मेरे पास, मैंगो शेक के लिए आम तो पड़े हुए थे, और हमारे यहाँ मैंगो शेक में भी ये होना चाहिए कि लंगड़ा आम का ही मैंगो शेक बने और किसी आम का नहीं बनना, क्योंकि सबको हर टेस्ट नहीं अच्छा लगता। बनारस का तो लंगड़ा आम फेमस ही है, तो उसी आम का मैं मैंगो शेक बनाने जा रही हूँ। और क्वांटिटी में मैंने दो आम ले लिए हैं, इनको अच्छे से वॉश करके छील के और इसके छोटे छोटे पीसेस कट कर लेना है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, लग रहा था कि क्या ही किया जाए, खाना कम खाया जाए और ये लिक्विड चीज़ें ज़्यादा ली जाएं। खाना खाने का मन भी नहीं कर रहा था, तो इसीलिए सब लोगों ने आज खाने को स्किप करके मैंगो शेक की डिमांड की है, तो इसलिए मैं मैंगो शेक बना रही हूँ फ्रेंड्स। ये दो मैंगो से आप 3 ग्लास मैंगो शेक आराम से बना सकते हैं। तो आपके यहाँ जितने लोग हैं उसके अकॉर्डिंग आप मैंगो ले लीजिएगा, और अगर ज़्यादा हैं तो एक और बढ़ा लीजिएगा, कम है तो थोड़ा कम कर लीजिएगा, और उसी के अकॉर्डिंग आप क्वांटिटी अपना ऐड कर लीजिएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने छोटे छोटे पीसेस में मैंगो कट कर लिया है। अब इसको हम क्या करेंगे, मिक्सी जार में डालेंगे और इसका फाइन पेस्ट तैयार करेंगे। फ्रेंड्स, जब भी आप इसका पेस्ट बनाइएगा तो पहले ही इसमें मिल्क नहीं डालिएगा, उससे क्या होता है कि पीसेस रह जाते हैं, छोटे छोटे पीसेस रह जाते हैं। अगर आप मिक्सी जार में इसको डाल रहे हैं तो उस टाइम डालिए और उसमें शुगर ऐड कर लीजिए। मैंगो तो ऑलरेडी बहुत मीठे होते हैं, और अगर आपको लगता है कि आपके मैंगो ज़्यादा मीठे नहीं हैं तो शुगर की क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये सारे टेस्ट के अकॉर्डिंग ही आप रखिएगा, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। ये टेस्ट के अकॉर्डिंग आपने अगर शुगर डाल दिया है तो इसका ढक्कन बंद करके और काफ़ी अच्छी इसकी फाइन पेस्ट बना लीजिएगा। और ये देखिए, मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बस थोड़ा सा शुगर डाल रही हूँ, क्योंकि मेरे जो मैंगो है वो ऑलरेडी मीठा है। और ये देखिए, मैंने 2.5 चम्मच इसमें शुगर ऐड किया हुआ है और इसका हम फाइन पेस्ट बना लेंगे। फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आप इसको जो है पेस्ट बना रहे हैं तो एक बार मैंगो शेक बनाने से पहले ये ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि आपके आम कैसे हैं, क्योंकि फिर अगर वो आम ठीक नहीं हुआ तो मैंगो शेक तो ठीक नहीं बन पाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे ये पेस्ट रेडी हो गया है। अब इसमें हम मिल्क ऐड करेंगे, और मिल्क उतना ही, जैसे हम आप देखा ही है कि 2 मैंगो में हमने लिए थे, तो ये 1 ग्लास फुल ये मैंने दूध ऐड किया है, और इसमें थोड़ा सा दूध और ऐड होगा। और उसके बाद ये देखिए, 3 ग्लास के लिए हमने ये 2 ग्लास दूध ऐड कर लिया है। फिर से इसको हम मिक्सी में चलाएंगे और एक फाइन पेस्ट तैयार करेंगे। फ्रेंड्स, मैंगो शेक तो होता नहीं है कि अपने आप में ओहो मैंगो शेक बन रहा है, तब तो अपने आप में ही वो टेस्टी होगा, ये दिमाग में लोगों के सेट हो ही जाता है। और मैंगो शेक ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं पसंद, बहुत रेयर लोग होते हैं जिनको मैंगो शेक नहीं पसंद है। हाँ, एक चीज़ मैंने ये भी किया है कि हमारे पास तो आइसक्रीम नहीं थी, तो हमने ये प्लेन मैंगो शेक ही बनाया। अगर मैंगो शेक विथ आइसक्रीम डालना है तो आप वनीला की जो प्लेन आइसक्रीम आती है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।